हेलो नमस्कार दोस्तों, फ्री डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं NCERT गणित, जिसमें आप अध्याय 1 संबंध एवं फलन की प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन 6 तक कर चुके थे। आगे हम देखेंगे सातवां क्वेश्चन। तो देखिए, सातवां क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए क्या दिए हुए फलन एकैकी आच्छादक अथवा एकैकी आच्छादी है या नहीं, चेक करना है। तो देखिए, हमें दो सवाल दिए गए हैं, इन दोनों में चेक करके बताना है एकैकी है आच्छादक है। यदि एकैकी और आच्छादक दोनों हुआ तो वो एकैकी आच्छादी कहलाता है। तो कैसे हम चेक करते हैं कि एकैकी आच्छादी, तो हमने देखिए पिछले सवालों में आपको बताया था, एकैकी के बारे में हमने बताया था, यदि एक्स के एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होता है तो वो एकैकी कहलाता है। और यदि कोई सवाल आपको लगता है कि एकैकी नहीं है तो उदाहरण देकर के आप जो है उसे दर्शाते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि कोई सवाल एकैकी है तो नियम क्या है, F(x1) बराबर F(x2) लेकर चलना होता है और फिर आगे आप सवाल हल करते जाते हैं और सिद्ध कर देते हैं x1 बराबर x2, तब कहलाता है वो फलन एकैकी होगा। और यदि हम बात करें आच्छादक की, तो आच्छादक के लिए भी सेम रूल आप देखेंगे, यदि कोई फलन जो है आच्छादक नहीं है तो उदाहरण देना होगा, और यदि आच्छादक है तो x का मान आप f(x) में रखने पे y उत्तर प्राप्त करेंगे। और यदि कोई फलन एकैकी और आच्छादक दोनों होता है तो उसे एकैकी आच्छादी कहा जाता है। तो देखते हैं इसका, हमने पहला सवाल लिया, देखिए फलन दिया गया है f(x) का मान 3 - 4x है और फलन जो है रियल नंबर से रियल नंबर पे है, मतलब वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के बीच है। तो एक चीज आप देखेंगे पहले कि ये एकैकी होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, यदि हमने कहा कोई फलन है f(x) का मान 3 - 4x है, यदि आप यहाँ पे 1 रखते हैं तो आपको 3 - 4 - 4 × 1 होगा, तो यहाँ 3, 4 × 4, और यहाँ पे घटाएंगे तो -1, 1 रखा तो आंसर मिला हमें -1। उसी प्रकार से यदि आप यहाँ 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा, यदि 3 में से 8 घटाएंगे तो -5, मतलब अलग अलग संख्याएं मिलेंगी। तो एक चीज आप देखेंगे, एक अवयव रखने पर एक आंसर ही आपको मिलता है, तो एकैकी होगा। और ध्यान रखना, जब भी कोई फलन रियल नंबर से रियल नंबर हो और वो फलन रैखिक हो, ध्यान देना इस बात पे, रैखिक हो, रैखिक मतलब एक की घात वाला हो, तो वो हमेशा एकैकी भी होता है और आच्छादक भी होता है। और यदि आप कोई एग्जाम्पल लेके भी देखते हैं तो एक अवयव रखने पे एक उत्तर आएगा, तो भी एकैकी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, हम यहाँ पे एकैकी दर्शाते हैं। हमने कहा एकैकी है जी, तो कैसे है, आपको पता है एकैकी होता है तो कैसे दर्शाना होता है। तो यदि हम क्या करते हैं, f(x1) बराबर f(x2) लेते हैं, f(x1) बराबर f(x2) लेते हैं और आगे सॉल्व करते जाते हैं, x1 बराबर x2 प्राप्त करते हैं। और यहाँ x1 x2 कहाँ से लिए हैं, जो आपका प्रांत है r रियल नंबर है, आप लिख सकते हैं जहां x1 और x2 जो है रियल नंबर से है, मतलब प्रांत रियल नंबर से है। तो देखिए, यहाँ f(x1) का मान क्या होगा, यहाँ पे आप x1 रखेंगे तो यहाँ 3 - 4 x1 हो जाएगा, बराबर x2 यदि आप रखते हैं तो 3 - 4 x2 हो जाएगा। अब देखिए, आप यहाँ पे यदि पक्षांतर करते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा, -4 x1 बराबर -4 x2 बचा होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से 4 कट जाएंगे, मतलब आपको x1 बराबर x2 प्राप्त हो जाएगा। और x1 बराबर x2 आ जाए तो वो फलन एकैकी होता है। तो हमने लिखा फलन f एकैकी है। एकैकी के बाद अब देखिए, हम बात कर रहे हैं आच्छादक की, आच्छादक होगा या नहीं होगा, तो इसके बारे में पहले तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए, हमने बताया था अभी अभी कि कोई भी रैखिक फलन यदि रियल नंबर से रियल नंबर पे होता है तो वो हमेशा एकैकी भी होता है और आच्छादक भी होता है। तो इस वजह से यह फलन जो है आच्छादक होगा। यदि आच्छादक होगा तो नियम क्या था,
यदि आच्छादक है तो नियम क्या था, एक्स का मान हमें एफ एक्स में रखना होता है और कितना लाना होता है, वाई लाना होता है। तो देखिए हमने लिखा यहां पे हमें पता है एफ एक्स का मान क्या था, एफ एक्स का जो मान था वो 3 - 4x था, और जो एफ एक्स है हमें पता है एफ एक्स को ही हम वाई कहते हैं, तो एफ एक्स के स्थान पे वाई लिख सकते हैं, वाई बराबर 3 - 4x हो जाएगा। अब देखिए यदि आप x का मान निकालना चाहते हैं तो x x वालों को एक तरफ कर दें, तो 4x हमने इस तरफ कर दिए हैं और 3, और y हमने इस तरफ कर लिया है, तो y माइनस का हो जाएगा। अब x बराबर यहां से देखेंगे आप तो 3 - y और 4 जो है बटे में चले जाएंगे, तो ये रहा x का मान। अब हमने बताया था x का मान हमें कहाँ रखना होता है, एफ एक्स में रखते हैं, तो x का मान यदि हम एफ एक्स में रखेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे f x की जगह x का मान, फिर यहाँ पे 3 - 4 और फिर यहाँ पे x का मान, तो देखिए x का मान 3 - y/4 है, 3 - 4 लिखा हमने, 3 - 4 और x की जगह x का मान तो 3 - y/4 है। अब देखिए इसे ही यदि आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो 3 - 3 - y बचा होगा फिर, और आगे यदि आप सॉल्व करेंगे कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ 3 - 3 + y, और यहां से देखेंगे तो 3 3 कट गए, आंसर आपको क्या मिल जाएगा, y। और यदि हमने बताया x का मान एफ एक्स में रखने पे उत्तर y आता है तो वो फलन जो होता है आच्छादक कहलाता है। तो देखिए इस प्रकार से फलन एकैकी भी हो गया है और आच्छादक भी हो गया है, तो आप लास्ट लाइन में लिख सकते हैं कि इस प्रकार फलन एकैकी आच्छादी है। तो हमने लिखा है इस प्रकार फलन एफ एकैकी आच्छादी है। इसके बाद हम इसका दूसरा सवाल लेते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल दिया गया है, फलन एफ एक्स बराबर 1 + x² और फलन जो है रियल नंबर से रियल नंबर पे है, वास्तविक संख्याओं पर आधारित है। तो देखा जाए सबसे पहले आपको समझना होता है कि एकैकी आच्छादक होगा कि नहीं होगा। पिछले सवाल में तो हमने देखा था रैखिक रैखिक फलन था क्योंकि 1 की घात थी, लेकिन इस बार 2 की घात है, इस वजह से हो सकता है कि ना हो, तो पहले तो आप पहले चेक करते हैं। तो देखिए रियल नंबर से रियल नंबर पे है, तो रियल नंबर में अब हमें पता है रियल नंबर में धन की संख्याएं भी होती हैं, ऋण की संख्याएं, दशमलव की या बटे वाली संख्याएं होती हैं। अब हम रख के देखते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर 1 + x² की बात करें, यदि हमने यहाँ पे 1 रखा तो ध्यान देना 1 रखेंगे तो एफ 1 1 + 1 का वर्ग होगा, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 और 1 आंसर कितना मिलेगा, 2, तो 1 रखा है तो आंसर मिला है 2। यदि हम -1 रखते तो देखिए -1 रखते तो यहाँ पे एक्स वर्ग का मतलब -1 का वर्ग, और -1 का वर्ग +1, और +1 जो है तो +1 और +1 कितना हो जाएगा, 2, तो -1 रखने पे भी उत्तर कितना आया, 2। तो एक चीज देख रहे हैं वर्ग के कारण ऐसा होता है, ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग भी धन का और धनात्मक संख्याओं का वर्ग भी धन का होता है, तो इस वजह से हमने धन का 1 रखा तो भी आंसर 2, ऋण का 1 रखा तो भी आंसर 2 मिला, फिर तो एकैकी हो ही नहीं सकता है, और एकैकी नहीं है तो आपको उदाहरण देके बताना होता है फिर। तो देखिए यहाँ पे हम यही 2 एग्जाम्पल बताएंगे, यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पे हम 1 और -1 की बात कर रहे हैं, दोनों संख्या रियल नंबर से हैं, और फिर हमने क्या किया, अब एक बार हमने 1 रखा तो एफ 1 1 मतलब यहाँ पे देखेंगे तो 1 + 1 का वर्ग होगा, और यदि और आगे सॉल्व करोगे तो 1 + 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 और 1 2। यदि हमने -1 रखा होता तो देखिए -1 रखते तो 1 + -1 का वर्ग आता, 1 + -1 का वर्ग, तो देखिए 1 और -1 का वर्ग भी +1, तो यहाँ 1 और 1 कितना हो जाता, 2 हो जाता। तो देखिए यहाँ पे 1 रखने पे उत्तर आया 2, -1 रखने पे 2 उत्तर आया, लेकिन आपको पता है जबकि ये बराबर भी नहीं होते हैं, 1 और -1 2 जो संख्याएं हैं ये अलग अलग संख्याएं हैं, बराबर भी नहीं है, तो कहने का अर्थ है हमने अलग अलग संख्या रखी फिर भी उत्तर सेम आया, जबकि दोनों अवयव बराबर भी नहीं होते हैं, अतः फलन जो एफ है वो एकैकी नहीं है। तो हमने लिखा आता है फलन एफ एकैकी
नहीं है। अब यदि हम बात करें आच्छादक की, आच्छादक होगा कि नहीं होगा, पहले आपको चेक करना होता है और उसके बाद ही आप जो है लिख सकते हैं कि आच्छादक है या नहीं। तो ध्यान देना कैसे हमें पता चलेगा आच्छादक है या नहीं। तो देखिए जो दूसरा वाला सह प्रांत आर है, इसकी बात होती है इसमें, आच्छादक में होती है सह प्रांत की बात। तो इसके हर एक अभी अब क्या आंसर बने होंगे, तो देखिए यहाँ पे दो आंसर बना है और भी बहुत सारी संख्याएं होंगी, क्या सब संख्याएं आंसर बनी होंगी। तो देखिए इस आर में भी बहुत सारी संख्याएं ऋण की हैं, और यदि आप ऋण की संख्याएं देखें तो ऋण की संख्याएं कभी जे फलन आंसर नहीं दे सकता है, क्योंकि एफ एक्स बराबर जो 1 + x² है वो ऋण का उत्तर तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी का वर्ग करोगे तो धन का, और धन करोगे तो वो धनात्मक संख्या ही आएगी, ऋणात्मक तो आ ही नहीं सकती। तो मतलब -2 यदि हम कहें तो बिल्कुल आंसर नहीं ला सकते, -3 भी आंसर नहीं हो सकता, -4 भी कभी आंसर नहीं ला सकते हो। तो इनमें से ही हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम -2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम लिखते हैं कि यहाँ पे -2 आर के अंतर्गत आता है, और किस आर के अंतर्गत आता है, जे भी हम बता देते हैं, सह प्रांत के अंतर्गत आता है, अर्थात और स्पष्टीकरण के लिए लिख देते हैं कि -2 जो है सेकेंड वाले समुच्चय में है, मतलब वाई के अंतर्गत है, लेकिन यह एक्स के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो हमने लिखा लेकिन यह एक्स के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः एफ आच्छादक नहीं है। और आप अंत में लिख सकते हैं इस प्रकार, एफ ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। तो इस प्रकार हमने लिखा, इस प्रकार फलन एफ ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। तो हमने जो क्वेश्चन 7 थे इसके दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए, आगे के वीडियोज में हम आगे के सवाल करेंगे। धन्यवाद।